ये जो क्वेश्चन है मिक्सर का है, एलिगेशन है, तो हमारे पास इसमें दो चीजें आपस में मिक्स करनी है, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे पास 310 रुपये प्रति केजी वाली कॉफी को 360 रुपये प्रति केजी वाली कॉफी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 325 रुपये प्रति केजी हो जाए। मतलब हमारे पास दो टाइप की कॉफी है, एक तो 310 रुपये वाली और एक 360 वाली, तो दोनों को आपस में क्या करना है, मिक्स करना, मिलाना है। वो किस अनुपात में मिलाना है वो चीज बतानी है इसके अंदर, कि उसका जो रुपए, मतलब हमारे एक तो 310 वाली है और एक 360 वाली है, कि हमारे पास उसका जो रेट है वो कितना हो जाए, 325 रुपये हो जाए। तो ये चीज बोला है, यदि पहली प्रकार की जो कॉफी है वो कितना है, 35 प्रति केजी है, तो दूसरे प्रकार की कॉफी हमने बतानी है कि वो कितनी मात्रा में मिलानी होगी। तो देखो इसने पहले प्रकार की तो दे दी भाई, वो 35 केजी है, लेकिन ये बताना है कि दूसरे प्रकार की कॉफी क्या होगी। हमारे पास मान लेते हैं भाई फर्स्ट प्रकार की कॉफी कितने हैं 310, और दूसरे प्रकार की कॉफी कितनी है 360। तो अब हमने इनको आपस में मिक्स करना है, तो मिक्स करना है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या लिखना है इसको बीच में लिखना है, जो मिक्सर दे रखा है दोनों का किस, तो हमने क्या करना है इसको बीच में लिखना, इसमें आपस में क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखना 360 में से 325 घटाना है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, और कितना बचेगा 35, ओ 3, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 35। अब इसमें से घटाओगे तो ये चीज कितना आ गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास ये चीज बोल रखा है जो पहले प्रकार की कॉफी कितने हैं 35 है, तो दूसरे प्रकार की कितने में मिलानी पड़ेगी, 15 केजी, जो तुम्हारा आंसर है। क्लियर ये चीज।